बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चैनल लर्न विद सर निसार अमन टेस्ट प्रिपरेशन। ये पेपर नंबर 4 है असिस्टेंट कॉलेज एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो जॉब्स अनाउंस हुई थी उसका पेपर है। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ही प्ले क्रिकेट, करेक्ट सेंटेंस। तो ही प्लेइंग क्रिकेट है, ही प्लेस क्रिकेट है, शी प्लेस क्रिकेट है। यहाँ पर वर्ब की आपकी आपका एग्जाम है, तो वर्ब कौन सा करेक्ट होगा इसका है ऑप्शन करेक्ट बी ही प्लेस। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा प्ले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ उनके साथ एस लगता है, यानी ही प्लेस। डिड दे पास द एग्जाम्स, करेक्ट एंड सेंटेंस करना है। डिड दे पास, यहाँ पर अगेन उसका वर्ब का है, अगर डिड आ गया तो मतलब ये पास्ट का है, तो पास्ट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, लगेगा डिड दे पास। जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये आप अपने बेसिक चीज़ें हैं, ये हम बेसिक पेपर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं असिस्टेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आई डैश लाइक गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग। आई डैश लाइक, आई डज नॉट और डू नॉट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हमेशा डज लगता है, तो यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई के साथ सॉरी डज नहीं लगता, डू लगता है, डू नॉट। थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, यहाँ पर ये याद रखना कि थर्ड पर्सन के साथ जिसमें ही शी इट प्लस सिंगुलर होता है उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है। ये है कि वेयर डैश दे फ्रॉम, वेयर डैश दे फ्रॉम, इसमें यहाँ पर एम है और इज है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो हम कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर दे फ्रॉम, वेयर आर दे फ्रॉम। दे प्लूरल है तो क्या होगा, आर होगा, वेयर आर दे फ्रॉम। इसी तरह यहाँ पर ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा असिस्टेंट पेपर के हवाले से, और ये याद रखना ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसका मतलब हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, ये चीज़ें आपने पढ़ना है। वेयर डैश ही वर्क, वेयर ही, जब ही आएगा तो हमने पढ़ा कि ही के साथ डज लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ ऑप्शन है डज है, डू है, इज है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर डज ही वर्क। तो यहाँ पर कर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा डज है। इसी तरह अगर हमारा वेयर डू दे, अगर दे होता तो फिर हम डू लगाते, तो इसी तरह फर्स्ट पर्सन के साथ प्लूरल के साथ डू लगता है, बाकी के साथ डज लगता है। आई एम बिजी ऑन सैटरडे सो आई डैश कम, इसका ऑप्शन क्या होगा, आई एम नॉट कम, आई कैन नॉट कम, आई एम नॉट कम। तो डेफिनेटली अगर वो बिजी होगा तो मैं नहीं आ सकता, आ सकता के लिए हमेशा कैन यूज होता है, आई कैन नॉट कम, तो इसका कड़ा ऑप्शन होगा इसका बी होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो ये चीज़ें आपने सेंटेंस को पढ़ के उसका फिर प्रॉपर आंसर करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। फर्दर जो पेपर्स हमारे वो इंशाल्लाह अपग्रेड होते जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हर 4 times, मैं ऑलरेडी उसको 4 मरतबा कॉल कर चुका हूँ, कर दो तो टुडे किया है, टुमारो किया है, और यस्टरडे, सेंटेंस के सीक्वेंस देखेंगे, कॉल कर चुका, डेफिनेटली अगर वो कॉल कर चुका है किसी को तो आज ही का होगा, तो इसका कट ऑप्शन इसका टुडे होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन देम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई ड्रिंक कॉफ़ी ट्वाइस टाइम अ डे, 2 times a day, मीनिंग तो सब समझता है लेकिन प्रॉपर ग्रामर ग्रामेटिकल जो वर्ड है वो कौन सा है, आई ड्रिंक कॉफ़ी ट्वाइस अ टाइम, यानी 2 दिन, जिससे डॉक्टर्स बोलते हैं ट्वाइस अ डे आपने ये मेरा टेबलेट लेना है, तो ट्वाइस अ डे करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा वो ट्वाइस अ डे होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डैड स्मेल्स गुड, व्हाट डू यू कुक, आर यू कुकिंग आर डू यू कुक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, व्हाट डैड स्मेल्स गुड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू कुकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डैश ही वर्क, अगेन मैंने आपको कहा था ही के साथ डज या डज लगता है, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो यहाँ पर वेयर डज ही वर्क। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, वेयर डज ही वर्क, वेयर अगर दे आता तो हम क्या लगाते, डू लगाते,
डू एंड डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ें तमाम बेसिक चीज़ें सीखनी है। अगर आपको समझ में नहीं है कमेंट करें, हम आपको वीडियो लिंक भेज देंगे। व्हाट इज़ फादर नेम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। ये एसएससी के पेपर में हैं, सिलेबस में एसपीएससी अलाउ अनाउंस कर चुका है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फैमिली के बारे में क्वेश्चन है। ये तीन चार क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ग्रैंड फादर नेम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल मुत्तलब, हज़रत आमना, हज़रत बत्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत अब्दुल मुत्तलब। बेसिक क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको आने चाहिए। बेसिक जो ये जो बिगनर्स कैंडिडेट्स हैं, हमने उसके लिए ये वीडियोज़ बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये चौथा वीडियो है और 96 वीडियोज़ जब आपके पास आएंगे आप इंशाल्लाह मैच्योर्ड की तरफ जाएंगे। व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा माशा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल मुत्तलब, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह, हज़रत बत्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह हम फर्दर मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर नेम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब है कि उनके नानी का नाम होगा, क्या होगा? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल मुत्तलब, हज़रत आमना, हज़रत बत्रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल ग्रैंड मदर के जो नाम था वो हज़रत बत्रा था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह बेसिक फादर और मदर का तो पता होता है, लेकिन मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मदर, इनकी चीज़ें में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। व्हाट इज़ द ग्रैंड मदर नेम ऑफ अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दादी का नाम क्या था? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत शब्बा, वहाब बिन अब्दुल मनाफ। तो इसका कड़ ऑप्शन होगा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका दादी थी, दादी का नाम फातिमा और बत्रा नानी का नाम था। तो इसी तरह ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और ये हमारे पेपर्स में भी इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस अपना वेटेज रखते हैं। व्हाट्स द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? अब्दुल मुत्तलिब कौन था? ग्रैंड फादर थे, लेकिन उसका असल नाम क्या था? हज़रत फातिमा शब्बा वहाब बिन अब्दुल मनाफ या होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसका सही नाम जो था ओरिजिनल वो शब्बा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दादा थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनका नाम था शब्बा। तो इसी तरह फर्दर अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर? तो उनका दादा मैटर नाना का नाम क्या था? तो उनका नाना का जो नाम ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुका है वो आप देख सकते हैं, वहाब बिन अब्दुल मुनाफ। सॉरी ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, वहाब बिन क्वेश्चंस पहले आंसर पहले आ गया था। तो इनका ग्रैंड फादर जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाब बिन अब्दुल मुनाफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होता है और हमने कोशिश की कि इस्लामिक के बेसिक क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लें, इंग्लिश के क्वेश्चंस से, और नेक्स्ट पेपर में भी हम इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे। हु वाज बॉर्न इन 571 AD 22 अप्रैल? कौन था जो 571 में पैदा हुआ और 22 अप्रैल को? तो हज़रत फातिमा, शब्बा, वहाब बिन अब्दुल मुनाफ या होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे कड़ ऑप्शन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में पैदा हुए थे, 22 अप्रैल और मंडे का दिन था। बेसिक चीज़ें हैं, यह हज़रत फातिमा कौन था, लेकिन दादी का नाम है शब्बा, अब्दुल मुत्तलिब का सेकंड नेम। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इज़ लोकेटेड? हेडक्वार्टर जो ओलंपिक्स कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कौन है? लॉसानी है, बर्लिन में है, लंदन में है और नन ऑफ दीज़ है। इसी जन जीके का क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर के हिस्से होंगे, इसका कट ऑप्शन ए है, लॉसानी है। तो यानी इंग्लिश भी, इस्लामियात और जीके पहले भी हमने वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से जो पोर्शन से आपके असेसमेंट पेपर में आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको वैसे भी काम आएंगे, आप इसको नोट डाउन करें, एक कॉपी लेके उस पर लिखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग जिब्स जॉब में भी अप्लाई करना चाहते हैं आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।